हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्रिएटिविटी इन साइकोलॉजी। नाउ इस जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। इसमें हम जो क्रिएटिविटी के कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम मोर अच्छी तरीके से जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया, जो क्रिएटिविटी है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए कैपेसिटी एक होती है एक इंडिविजुअल में, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो क्रिएट करता है या डिस्कवर करता है समथिंग न्यू या नॉवल आइडिया देता है, जिसमें वो रीशेप करता है जो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसको रीशेप करता है विथ न्यू नॉलेज। तो ये हमें यूनिक और पर्सनल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। कल भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर हम क्रिएटिविटी और सॉरी कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन के को मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, जो जो चार्ल्स डिकिन्स हैं वो कहते हैं कि जो अगर हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको तभी हम लव कर सकते हैं जब उसको हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तब तक उसको हम लव नहीं कर सकते जब तक हम किसी थिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो स्पीयरमैन हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एक पावर होता है ह्यूमन माइंड में, जो कि क्रिएट कर पाता है कुछ न्यू कंटेंट या कुछ न्यू आइडियाज़ देता है। और उसके साथ साथ डेविड डाल की जो डेफिनेशन है क्रिएटिविटी की वो ये है कि जो क्रिएटिविटी है ये एक कैपेसिटी होती है एक पर्सन में, ताकि वो प्रोड्यूस करे न्यू कंपोजिशंस, न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करे जो कि उसको प्रीवियसली नोन आइडियाज़ थे उनसे जोड़ के वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर ले। उसके बाद जो ब्रिडलेट हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एक एडवेंचरस थिंकिंग है, जिसमें हम दूर रहते हैं, जो भी माइंड ट्रैक है उसे भागते हैं, कुछ मतलब नया करना चाहते हैं, नया एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम डेविड एसुबेल की बात करेंगे, वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है इसको हम जनरलाइज्ड कॉन्स्टेलाइजेशन और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की मदद से देखते हैं, यानी इसमें जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ देखी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेट्स देखी जाती हैं। तो उसके बाद जो वल्लाच एंड कोगन हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये लाई करती हैं जहाँ पे हम मोर एंड मोर आइडियाज़ प्रोड्यूस करें, तो उसके बाद वो यूनिक देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद विल्सन गिलफोर्ड और चेरिस्टेसन कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हम कुछ समथिंग न्यू प्रोड्यूस करते हैं, आइडिया न्यू प्रोड्यूस करते हैं, या जिसमें हम कुछ न्यू या समथिंग चेंज लाते हैं, न्यू चेंज लाते हैं, जिसमें न्यू क्रिएशन होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए। उसके बाद जो स्टेन है वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नॉवल वर्क की वजह से हम मतलब कुछ चेंज लाते हैं जो कि यूज़फुल होती हैं, जिसे ग्रुप सेटिस्फेक्शन हमें देखने को मिलती हैं। और अकॉर्डिंग टू MJ लेविन ये कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है एक एबिलिटी होती है डिस्कवर न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स और प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या न्यू इन्वेंशंस करने के लिए। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है थिंकिंग की, और ये एक मतलब वे है, यानी इससे इसमें जो इंडिविजुअल हैं वो मतलब उसका व्यू डिफरेंट होता है वर्ल्ड को देखने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू जो पपीला एंड ओल्ड्स हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एबिलिटी होती है टू सी न्यू थिंग्स, नए चीज़ों को देखना अनयूजुअल लाइट में, अनयूजुअल लाइट में मतलब नई चीज़ों को देखना और उन प्रॉब्लम्स को देखना और उनको एनालाइज करना और उनको एक इफेक्टिव और अनयूजुअल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। ऑलमोस्ट जो डेफिनेशंस हैं वो रिलेवेंट हैं आपस में सभी डेफिनेशंस। और उसके बाद अगर हम इन डेफिनेशंस को कंसिडर करके जो क्रिएटिविटी है ये एक प्योरली फंक्शन ऑफ माइंड होती है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर से डील करती हैं और ये मेंटेन मतलब करते हैं एट्रीब्यूट जो भी होते हैं पर्सन को उसके मतलब उसमें उसको हेल्प करते हैं। और बिसाइड्स दैट ये मतलब जैसे कि हमने बोला ये एक समथिंग न्यू करना होता है, नॉवल या न्यू एक्सपीरियंस हम इसमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो क्रिएटिविटी होती है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ये एक एबिलिटी होती है जैसे कि मैंने बोला प्रोड्यूस या डिस्कवर हम न्यू करते हैं इसमें। और जो भी हमारे पास ऑलरेडी नोन एक्सपीरियंस होती है उसको हम मतलब
इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद अगर हम मोर जानने की कोशिश करेंगे, जो हर व्यक्ति होता है वो डिफरेंटली थिंक करता है, इस मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमें ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। और जो पर्सन होता है वो मतलब बिहेव करता है क्रिएटिवली इन मनी वेज में, तो डिफरेंट क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव पर्सन हमें देखने को मिलते हैं। और डिफरेंट जो कि हमने डेफिनेशंस पढ़ते हैं वो सूट करते हैं क्रिएटिव पर्सन के लिए। और क्रिएटिविटी को हम एज ए टैलेंट भी मतलब बोलते हैं कि क्रिएटिविटी जो है ये एक टैलेंट भी है एक इंडिविजुअल में। तो जो कार्ल रूकर हैं वो डिफाइन करते हैं जो क्रिएटिविटी है ये एक प्रोसेस होती है एक एक्शन में, जिसमें हम कुछ रैशनल और नॉवेल प्रोडक्ट ढूंढते हैं। और जो रहो देश हैं वो डिफाइन करते हैं क्रिएटिविटी को एज अ टैलेंट जो कि सम इंडिविजुअल्स में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद क्रिएटिविटी एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, मास्लो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एक प्रोसेस है जो कि प्री कॉन्शियस है रादर देन कॉन्शियस, यानी जो कि सब कॉन्शियस प्रोसेस है रादर देन कॉन्शियस। इसमें कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड हैं जैसे कि थिंकिंग या जैसे कि चेकिंग एंड करेक्टिव प्रोसेस इसमें इंक्लूड हैं। और जो टाइलर चैम्बर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कंसिडर्ड करते हैं ये बाइपोलर है, यानी इसमें जो एक पर्सन होता है और दूसरा एनवायरनमेंट, तो इसलिए बाइपोलर प्रोसेस है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो क्रिएटिविटी है, जैसे कि मैंने बोला नॉवल आइडियाज़ हम इसमें देते हैं, इसमें थर्स्टन स्टेन या रेन या वो डिस्क्राइब करते हैं जो क्रिएटिविटी है ये, इसमें हम नॉवल आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो भी रेस्पॉन्स हम देंगे वो नॉवेलिटी पे बेस्ड होंगे और जो कि फ्रीक्वेंट होंगे और जिनको हम फिर अडेप्ट करते हैं, तो ये समथिंग न्यू होता है और नॉन ट्रेसेबल होता है। और इसके बाद जो क्रिएटिविटी होती है इसको हम एज ए थिंकिंग न्यू थिंकिंग बोलते हैं। जो जेड जेल हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो कंसिस्टेड अपॉन टू एलिमेंट्स पे होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो ये कहते हैं कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो रेफर करती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है जिसमें जो कि हम एडाप्ट करते हैं ये डायरेक्टली क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड हैं। और जो टॉरेंस हैं वो कहते हैं कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये एक कैपेसिटी होती है जो भी गैप्स रहते हैं हमारी प्रॉब्लम में उनको सेंस करने के लिए, और जो भी मिसिंग आउट एलिमेंट्स होते हैं हमारी प्रॉब्लम में उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हम सर्च में रहते हैं, हम हाइपोथेसिस करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं और फाइनली हम रिजल्ट्स पे आते हैं। उसके बाद हम एट लास्ट हम ये कहेंगे जो क्रिएटिविटी है ये एक कैपेसिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। किलपैट्रिक कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, या इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इंक्लूड होता है जिसमें हम जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के थ्रू सॉल्व कर पाए। तो गिलफर्ड भी यही कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये एसेंशियली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया।